पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तभी तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे देश का, तुम्हारे इस राज का यश वैभव दूर दूर फैलेगा अशोक। इसीलिए प्राण गवा देने से तुझे कोई लाभ न होगा। मैं कहता हूँ कि अपनी ये खूनी तलवार, जिस खूनी तलवार से तूने न जाने हजारों माताओं बहनों की गोद को खाली कर दिया, हजारों माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया, न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितने से उनके सिंदूर माथे से तूने उजाड़ दिया अशोक। सचमुच पापी है अशोक, सचमुच अगर कुछ करना चाहता है तो बुद्ध के मार्ग को चुन, प्रजा के लिए अच्छे कर्म कर, प्रजा के लिए अस्पताल बनवा, प्रजा के लिए रहने के लिए आवास बनवा, प्रजा के लिए धन संपदा उसको दान कर, तभी तेरा यश फैलेगा और उसका पुण्य तुझे मिलेगा और तू पापों से मुक्त हो जाएगा। सो धन्य भगवान तुम्हारे उपदेश क्षेत्र में धन्य हो गया। लीजिए भगवान, जिस दरबार से मैंने हजारों माँ बहनों के सिंदूर मिटा दिए, हजारों माँ बहनों की गोदें खाली कर दी, लेकिन आज से मैं शपथ खा के कहता हूँ जीवन में तलवार कभी नहीं उठाऊंगा। सिर्फ प्रण कर लेने से पापों से मुक्त नहीं होगा, कर्म करेगा, बुद्ध के बताए हुए सीनों का पालन करेगा तभी तेरा कल्याण होगा। तथागत बुद्ध ने जो पांच सील बताए हैं और सीलों को तुझे पालन करना होगा, हमेशा के लिए इस तलवार को त्यागना होगा, तभी तेरा कल्याण, तेरा उद्धार हो सकता है। अशोक कौन से पांच मार्ग है मुझे शीघ्र ही बताओ भगवान। अशोक पहला बुद्ध का मार्ग पाना सिखाता वे रमणे सिक्का पदा क्षमा जाने, किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न दो, किसी प्राणी की जीव हत्या न करो, यही बुद्ध का मार्ग शिक्षा देता है। बुद्ध का दूसरा सील, दूसरा मार्ग शिक्षा देता है आदि न जाना वे रमणे सिक्का पदा क्षमा जाने, अर्थात चोरी डकैती इत्यादि करने से दूर रहे, अपनी प्रजा को दूर रहने के लिए सचेत कर, तभी तेरा और तेरी प्रजा का कल्याण होगा। कामे सुभिक्षाचारा वे रमणे सिक्का पदा क्षमा जाने, अधिक भोग विलास न मत रह, भोग विलास त्याग कर अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई स्त्री को साथ कामाचार व्यवचार से दूर रहे, प्रजा को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित कर, तभी तेरा और तेरी प्रजा का कल्याण होगा। मूषावादा वे रमणे सिक्का पदा क्षमा जाने, अर्थात भूल कर भी किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोल और न ही प्रजा को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर, तभी तेरा और तेरी प्रजा का कल्याण होगा। शुरा मेरे मध्य पमादशाना मेरे रमणी सिक्का अपना क्षमा जानी, जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं न ही उनका सेवन कर और न ही अपनी प्रजा को सेवन करने के लिए शिक्षा दे, तभी तेरा और तेरी प्रजा का कल्याण होगा। तेरा यश वैभव पूरे विश्व में फैलेगा, तभी तेरा और तेरे परिवार का नाम होगा अशोक। स्वीकार भगवान, लेकिन अपना नाम नहीं बताया अशोक, आप कौन है? अशोक तू मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हारे ही भाई सुषेण का पुत्र, मुझे न्याय विरोध कहा जाता है। न्याय विरोध शेष दीक्षा मैं तुम्हें अपने गुरु उपगुप्त से दिलाऊंगा, वही तुम्हें दीक्षित करेंगे, तभी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, तुम्हारी प्रजा का कल्याण होगा। अशोक एक बार अशोक प्रेम से बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मंगल हो, सबका मंगल हो, तुम्हारा भी मंगल हो, तुम्हारी प्रजा का भी मंगल हो। और मंत्रीवर वास्तविक ऐसे मार्ग पर मैं चल रहा था, आत्महत्या करने से पापों से छुटकारा नहीं मिलता, नहीं मिलता महाराज। आज भगवान भगवान बुद्ध का बोल रहा, बुद्ध वृक्ष स्वयं आकर के मेरे उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को सुनकर मैं धन्य हो गया। आज जाओ सारे नगर के अंदर सेनापति डोरा बिनवा दीजिए, आज महाराज सम्राट स्वयं ने बात रंग को स्वीकार किया है,
उनके राज शासन में कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार करता हुआ पाया जाएगा उसको बहुत बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा और आने जाने के लिए संपर्क मार्ग उसके चारों काल किनारे के लिए छायादार वृक्ष नलकूप अस्पताल धर्मशाला की आपकी व्यवस्था करे तो प्रजा को आराम मिलेगी तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मेरा नाम इतिहास के पन्ने पन्ने अंकित हो जाएगा क्या। और मेरी जो पुत्री संघमित्रा मेरा पुत्र महेंद्र उसको देश विदेश में लंका आप में भेज दो बहुत धर्म का प्रचार करें प्रसार करें ये जाओ सारे नगर के अंदर जोड़ा लगाना बहुत अच्छा है महाराज। अब मैं यहाँ से चलता हूँ आपके आदेश का पालन करना महाराज तुम्हारे आदेश और सर हमें किसी डुबकी मास्टर को बुला कर तो डुबकी लगवाना चाहिए शायद नगर के अंदर कोई डुबकी मास्टर जरूर होगा मैं आवाज देता हूँ। अरे डुबकी मास्टर अरे कौन है भैया रे ये बता रहा अरे जल्दी आओ थोड़े बाल उखाड़ लो क्या बाल उखाड़ रहा अरे किसके बाल उखाड़ रहा अरे सुगरी के उखाड़ रहे हो अरे जल्दी चल इधर महाराज से मिलेगी बाद में जी हाँ चलो ठीक है नमस्ते नमस्ते